बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल रब्बी जिदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। दी एजुकेटर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर मिस नफीसा जाहिद। आज का आपका उन्वान है ईमानियात व अबादात। ईमानियात व अबादात में हम अल्लाह ताला के सवालात के जवाबात नोटबुक पर करेंगे। चलिए हम आप अपने काम का आगाज़ करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले आपने कॉपी के सफ़े के ऊपर लिखना है जमात का काम, डेट डालनी है, उसके बाद जो दिन है वो डालना है, बाब दो अल्लाह ताला, के बाद लिखेंगे आप सवालात के जवाबात। लिखिए सवाल नंबर एक, अल्लाह ताला को एक मानने से क्या मुराद है। सवाल नंबर एक, अल्लाह ताला को एक मानने से क्या मुराद है। जवाब, अल्लाह ताला को एक मानने से मुराद इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। जवाब है, अल्लाह ताला को एक मानने से मुराद इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। सवाल नंबर दो, इबादत के हवाले से अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। जवाब, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि सिर्फ़ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। जवाब, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि सिर्फ़ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। चलिए बेटा, आज का घर का काम है जो मैंने सवालात के जवाबात आपको करवाए हैं उनको अच्छे से आपने याद करना है। और मैंने जूम लेक्चर में जो आपको अल्लाह ताला के सफाती नाम पढ़ाए हैं उनको आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह ताला के सफाती नाम याद करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।